In last video, we discussed that what is living and got our answer in that video. So, you know that there are variety of living organism worldwide. पूरे विश्व में क्या है, बहुत ही अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, वेदर दे आर प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो आपको वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे. तो वो कहाँ मिलेंगे, वो अलग अलग जगह पे मिलेंगे. तो एक तरह का ऑर्गेनिज्म वो क्या है, यूएसए में भी हो सकता है, स्पेन में भी हो सकता है, रशिया में भी हो सकता है और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भी हो सकता है. तो उस ऑर्गेनिज्म को जब आप उस रीजन में जाओगे तो उसका रीजनल नेम वहां पे मिलेगा आपको. तो वहां पे लोकल नेम होंगे, तो अलग अलग नाम होंगे एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग प्लेसेस पे रीजनल नेम. तो अगर आप उनको स्टडी में यूज करोगे देयर विल बी कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो जो साइंटिस्ट होते हैं या हमें स्टडी करनी है बड़े लेवल पे या एक्सटेंडेडाइज थिंग बनानी है तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर वही बुक इंडिया में पढ़ी जाए और फिर यूएसए में पढ़ी जाए, स्पेन में पढ़ी जाए या रशिया में पढ़ी जाए तो वहां पे हमें क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा. सो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम नोमनक्लेचर करते हैं जो ऑर्गेनिज्म है उनके करेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के बाद हम उनको नाम दे देते हैं. तो नाम कैसा होगा, दैट नेम विल बी साइंटिफिक नेम. उसको साइंटिफिक नेम देंगे, पर्टिकुलर होगा एक ऑर्गेनिज्म का, पूरे मतलब विश्व में एक ही नाम से जाना जाएगा वो साइंटिफिकली, और वही स्टैंडर्डाइज किया जाता है. लोकल नेम कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं होते. तो इसीलिए इसका पर्पज क्या है, टू सोल्व दिस, मतलब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिफिक नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म सो दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम नोमनक्लेचर करते हैं. तो दो यहां पे क्या है, मतलब वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडीज हैं जो इनको नाम देने के लिए, मतलब जो रूल्स बनाते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो फर्स्ट इज ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमनक्लेचर, जो आपके प्लांट्स हैं उनको नाम देने के लिए क्या है, ICBN, ये उसमें रोल प्ले करेगा. और ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमनक्लेचर, जूलॉजिकल मतलब जो एनिमल्स को नाम देंगे वो ICZN होगा. नाउ डिस्कस द डिफरेंट रूल्स ऑफ नोमनक्लेचर. नोमनक्लेचर में कौन कौन से रूल होने चाहिए वो हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट रूल इज दैट विल बी बायोनोमियल सिस्टम. बायोनोमियल सिस्टम का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे. तो दो नाम का मतलब यहाँ पे है, एक जैसे हम लोगों के अंदर दो नेम होते हैं, सरनेम होता है और एक हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक नेम होता है. इसी तरीके से इनके भी क्या है, टू वर्ड नेम होगा, इनका दो वर्ड वाला नेम होगा. फर्स्ट नेम विल बी जेनेरिक नेम एंड द सेकेंड नेम विल बी स्पीसीज एपिथेट. तो दो नाम जैसे हम लोगों के अंदर है वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाएगा. थर्ड रूल इज दैट विल बी टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज. व्हाई वी आर टेकिंग इट फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, बिकॉज लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज, सो देर इज नो स्कोप ऑफ द चेंज. यहां पे क्या है, लैंग्वेज जो यूज ही नहीं हो रही है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा. तो चेंज नहीं आएगा तो इसीलिए हमारे लिए क्या है, ये सबसे अच्छी लैंग्वेज है साइंटिफिक नेम चूज करने की. और यही रीजन है जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं वो ज्यादातर लेटिन या ग्रीक लैंग्वेज से हम डिराइव करते हैं. Typed in italics and if written underline. अगर आप इसको टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स में लिखोगे, इसको टाइप करोगे सॉरी. और अगर आप उसको लिख रहे हैं हाथ से हैंड रिटन तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरलाइन दैट नेम. जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है दैट विल बी कैपिटल. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है पेंथेरा टाइग्रिस, तो यहाँ पे पेंथेरा का जो पी है वो कैपिटल होगा. जेनेरिक नेम का फर्स्ट वर्ड क्या होगा, दैट विल बी कैपिटल ऑलवेज. स्पेसिफिक स्पीसीज नेम जो है वो स्मॉल लेटर से आप स्टार्ट करोगे, जैसे यहाँ पे टाइग्रिस में है. होमोसेपियन इज
आर साइंटिफिक नेम, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियन है। नाउ ट्राइनोमियल, कई जगह पे क्या होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होती है, इट इज एक्सेप्टेड इन एनिमल्स ओनली ओनली, प्लांट्स के अंदर कभी भी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं होगा, ये किसके अंदर होगा प्लांट्स के अंदर होगा। जैसे यहाँ पे है गोरिला गोरिला गोरिला, तो यहाँ पे क्या होगा तीनों नेम सेम है लेकिन ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, और जहां पे क्या होता है जो आपके जेनेरिक और स्पीसीज नेम सेम होते हैं, इफ द जीनस और स्पीसीज नेम आर सेम दैट इज नोन एज टोटोनेम्स। तो ये टोटोनेम्स जो हैं ये एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, प्लांट्स के अंदर नहीं करेंगे। तो जिनके अंदर ये दोनों चीजें सेम होंगी, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर एनिमल्स में एक्सेप्टेड है और स्पीसीज और जेनेरिक नेम अगर सेम है तो उसको टोटोनेम्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सपोज कीजिए आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता है, किसी ने डिस्कवर किया है, तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। आइडेंटिफिकेशन मीन्स उसके जो करेक्टर्स हैं उनको स्टडी किया जाएगा और उन करेक्टर्स के बिहाफ पे वो किस मतलब क्या नाम डिजर्व करता है उसको नाम दिया जाएगा, और उस नाम के बाद क्या है उसको क्लासिफाई कर देंगे कि ये इस कैटेगरी के अंदर सही बैठता है, तो उसको उसी उसको क्लासिफाई कर देंगे। तो इसमें तीन एस्पेक्ट्स हैं, आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी को डील कर ही रही है, साथ में क्या है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर करेगी कि उसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या है, वो कैसे इवोल्व करके यहाँ तक आया है, उसमें क्या रिलेशन है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है अगर आप उनको स्टडी कर रहे हो तो उनके जितने भी इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स हैं उनको कंसिडर करेगी सिस्टमेटिक्स। नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, ये लेवल्स होते हैं, जैसे क्लास मतलब सपोज कीजिए एक स्कूल है लेवल, उसके बाद स्कूल के अंदर नर्सरी टू ट्वेल्थ क्लास हैं वो भी एक अलग अलग लेवल हैं। इसी तरीके से फिर अगर हम टेंथ ऑनवर्ड्स देखें तो अलग अलग जो स्ट्रीम है आर्ट्स कॉमर्स है मेडिकल है नॉन मेडिकल है, तो वो क्या है वो एक अलग अलग लेवल बनता जा रहा है, तो उनको हम क्लासीफाई करते जा रहे हैं। तो अगर आप एक पूरे स्कूल को कंसिडर कर रहे हो तो आपने क्या किया वैरायटी ऑफ थिंग्स को एक चीज में ही कंसीडर कर लिया, लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाते गए आपने क्या कर दिया उस चीज को स्पेसिफाई कर दिया। तो स्पेसिफिकेशन होता है इसमें, आप कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ जा सकते हैं और सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों इसके अंदर चलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर। तो ये बेसिकली क्या होता है एक लेवल होता है। कैटेगरीज जो हैं ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, दीज वर गिवन बाय द लिनस। कौन कौन सी दी उन्होंने, जीनस स्पीसीज क्लास ऑर्डर वैरायटी। तो ये पांच जो हैं कैटेगरीज ये लिनस ने दी थी स्टार्टिंग में, इसके बाद क्या है कुछ उनके अंदर बाद में ऐड कर दी गई, दोज वर किंगडम फाइलम एंड फैमिली। तो क्या है पहले पांच कैटेगरीज जो हैं वो बनाई गई थी लिनस ने बनाई थी, उसके बाद क्या किया उसके अंदर तीन डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं किंगडम फाइलम और फैमिलीज ये भी उसके अंदर ऐड कर दी गई। नाउ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की क्या है कि किसी चीज को लेवल मतलब उसके लेवल वाई लेवल आप अरेंज कर देते हो उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है जैसे अभी मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्सिसिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ चले जाओगे कि मतलब एक तो आपने पूरा ग्रुप ले लिया उसके अंदर बहुत सारे करेक्टर्स थे उनके ऑर्गेनिज्म के, तो आपने फिर भी अलग अलग भी थे सिमिलर भी थे, तो एक करेक्टर के बिहाफ पे आपने उसको एक कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन अगर उसके बहुत ज्यादा स्पेसिफाई हो रहे हैं तो फिर आपने उनकी अलग अलग कैटेगरी बना दी। तो एक ये टोटली बेस्ड है डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज के बेसिस पे। तो हम देख लेते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम। किंगडम के अंदर क्या होते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम फंजाई प्रोटिस्टा मोनेरा सबको एक ही कैटेगरी में मतलब आपने क्या किया पहले उनकी अलग अलग किंगडम्स बना दी, मोनेरा प्रोटिस्टा उसके बाद आपकी फंजाई है
है या आपकी प्लांटी किंगडम है, एनिमिलिया किंगडम है, तो आपने उनको क्या कर दिया, सारे प्लांट को एक किंगडम में रख दिया, सारे एनिमल्स को एक किंगडम में रख दिया। लेकिन सारे प्लांट तो एक जैसे नहीं हो सकते, सारे एनिमल एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन आपने क्या किया, एक बेसिक मतलब एनिमल है ये, उसको एनिमल किंगडम में डाल दिया बस। उसके बाद क्या है, फाइलम एंड डिवीजन। इन द केस ऑफ एनिमल वी टेक फाइलम एंड इन द केस ऑफ प्लांट वी यूज वर्ड डिवीजन। तो आप क्या है, जैसे आप प्लांट्स का अगर हम एग्जांपल लें, तो आपने क्या किया, प्लांट किंगडम को फिर डिवाइड कर दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो आप उनको कैटेगराइज कर रहे हो। अब क्या किया कि एक जिसकी कोई शेप नहीं है उसको थैलोफाइटा में डाल दो, तो इस तरीके से आपने एक एक फीचर लेके उनको डिवाइड कर दिया। फिर सब डिवाइड करते हो, जैसे एंजियोस्पर्म को क्या करोगे, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन में डिवाइड कर दोगे। इन द सेम वे एनिमल्स के अंदर अलग अलग फाइलम है, जैसे आपकी पोरीफेरा होती है, उसके मतलब एनलिडा है, इकाइनोडर्मेट्स है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, सबको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। इसके बाद फर्दर उससे जो छोटी डिवीजन होती है वो क्लास होती है, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीसीज। किंगडम इज द लार्जेस्ट ग्रुप, वेदर स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप। तो ये सेवन टैक्सोन होते हैं एक टैक्सोनोमी हायरार्की में, जब आप नोमेनक्लेचर करते हो या क्लासिफिकेशन करते हो तो इन चीजों को आप कंसीडर करते हो। तो सबसे बड़ी जो मतलब कैटेगरी है, टैक्सा है, वो किंगडम है, और जो सबसे छोटी है वो स्पीसीज है। अगर आप वापिस असेंडिंग ऑर्डर में चलो तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज को जीनस बोलेंगे, ग्रुप ऑफ जीनस को फैमिली बोलेंगे, ग्रुप ऑफ फैमिलीज को ऑर्डर बोलेंगे, और ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स को क्लास बोलेंगे, और क्लास के ग्रुप को हम डिवीजन या फाइलम कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है, टैक्सोनॉमी हायरार्की हम क्लासिफिकेशन के अंदर कंसीडर करते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो स्टडीज में। थैंक यू।